गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम रस्टिंग के बारे में पढ़ रहे थे, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? इन एक्टिविटी सिक्स तो हमने पढ़ा था, सिक्स एक्टिविटी में हमने रस्टिंग के बारे में देखा था। वी सॉ दैट द आयरन नेल, हमने लोहे की कील को क्या कर दिया था, बाहर चाइना डिश में रख के या फिर किसी कटोरी में हमने लोहे की कील को रख के, लोहे की कील को लेके क्या रख दिया था, बाहर रख दिया था। और कब रखा था? जब मौसम कैसा हो, जब मौसम नम हो। नम कब होता है? बरसात के समय। तो हम क्या देखेंगे, कुछ समय बाद उस पर क्या हो जाएगा, एक भूरे से कलर की एक परत चढ़ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंग। ठीक है, इसकी केमिकल रिएक्शन भी हमने देखी थी, क्या होती है, आयरन प्लस वाटर, लोहा होना चाहिए, पानी होना चाहिए। पानी किसमें होता है? हवा में। और क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी किसमें होती है? हवा में। तो क्या बन जाता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड ही जंग है। क्या है? जंग। आयरन को कैसे लिखते हैं? Fe, केमिकल भाषा में। वाटर को लिखते हैं H2O, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2। क्या मिलता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड मिल जाता है, यानी कि Fe2O3, Fe2O3.xH2। ठीक है, ये जंग है, इसको जंग बोलते हैं। ठीक है, रस्ट बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारी बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और हमने इसको पढ़ लिया, हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ लिया, केमिकल चेंजेस के कई सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए। कल हमने आयरन और सल्फर वाला रस्टिंग का, आयरन और सल्फर वाला मिक्सचर करके उसको मैग्नेट से सेपरेट करने वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ रहे थे, आगे बढ़ते हैं। कैन रस्टिंग ऑफ आयरन अकर एनी वेयर और सम कंडीशन आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग टू अकर। ठीक है, तो क्या जंग हमेशा लग जाती है लोहे में, या कुछ कंडीशन चाहिए तभी जंग लगती है? तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि गर्मियों के समय पर जंग नहीं लगती, बरसात के समय पर लोहे की चीजों में जंग ज्यादा नहीं लगती, लेकिन जब गर्मियों के समय पे बहुत ज्यादा जंग नहीं लगती लोहे की चीजों में, सर्दियों में बहुत ज्यादा जंग नहीं लगती लोहे की चीजों में, लेकिन बरसात के समय पे बहुत ज्यादा जंग लगती है लोहे की चीजों में। आपने साइकिल देखी होगी, अपनी साइकिल चलाते हो आप गर्मियों में, तो उसमें कभी जंग नहीं लगती, आराम से कोई खास जंग नहीं लगती, या जंग लगती ही नहीं। बस सर्दियों में चलाते हो साइकिल, तब भी जंग नहीं लगती, लेकिन जब बरसात का मौसम होता है तब आपकी साइकिल के स्थानों में, साइकिल के जो पहिए के स्थान होती है ना, उनमें जंग लगना शुरू हो जाती है, उसमें जंग लग जाती है, यानी बरसात में जंग लगती है। तो कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए होंगी जिससे क्या हो, जंग लगना शुरू होती है। वो कंडीशन क्या है वो जानते हैं। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू नो द कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। ठीक है, तो जंग लगने के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी हैं, चलिए इनको समझते हैं। एक्टिविटी 13, टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय टीचर, ये एक्टिविटी भी टीचर के द्वारा करनी है। ठीक है, लेट अस डू एन एक्टिविटी टू नो द कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। ठीक है, तो चलिए हम कुछ कंडीशंस जानते हैं, हम वो कंडीशंस जानते हैं जो जरूरी होती हैं किसी लोहे की चीज में जंग लगने के लिए। तो वो कंडीशंस क्या क्या हैं? टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर, ये किसके द्वारा करके दिखाया जाने वाला चाहिए, टीचर के द्वारा। तो क्या है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब, आपको क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है। ठीक है, हटा दें इसको, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब, तो हमने 3 टेस्ट ट्यूब ले ली। अब टेस्ट ट्यूब तो आप समझ गए होंगे, मैंने वीडियो में दिखाया भी था टेस्ट ट्यूब क्या होता है, ये हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया। ठीक है, इन पे नाम डाल दिया, इसका नाम डाल दिया ए, इसका नाम डाल दिया बी, इसका नाम डाल दिया सी। ठीक है, ताकि अंतर कर सके। टेक 3 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, नाउ प्लेस 3 क्लीन एंड शाइनी आयरन नेल इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब आपको क्या करना है, इनके अंदर लोहे की कील डाल देनी, ये लोहे की कील डाल देनी, एकदम साफ सुथरी नई कील ला के इसके अंदर डाल देनी। ठीक है, साफ सुथरी से क्या मतलब है, साफ सुथरी से मतलब इसमें पहले से जंग नहीं लगनी चाहिए, ये तीनों की तीनों नई नई होनी चाहिए, और एकदम क्लीन होनी चाहिए, नई होनी चाहिए और एक जैसी होनी चाहिए, ताकि हमें अंतर दिखाई दे। अब हमें क्या करना है, इन टेस्ट ट्यूब ए पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, एनहाइड्रस का मतलब होता है प्योर सूखा। ठीक है, केमिकल के ऊपर एनहाइड्रस लिखा हुआ है, यानी उस केमिकल के अंदर जरा भी वाटर नहीं है, एनहाइड्रस है। ठीक है, आप देखिए,
कोई भी केमिकल है जिस पे एन एड्रेस लिखा होता है, इसका मतलब उसके अंदर जरा भी वाटर प्रेजेंट नहीं है, एकदम प्योर है, सूखा है, ठीक है। एन एड्रेस कैल्शियम क्लोराइड लेना है, क्या लेना है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड एक पाउडर होता है सफेद से कलर का, एक पाउडर होता है सफेद से कलर का, उसको कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, ये ले लेना है, कैल्शियम क्लोराइड ले लेना है। अब देखो बच्चों, एक सफेद का पाउडर कैल्शियम क्लोराइड जो हम ले रहे हैं, इसका क्या यूज है, आपने वो आप बोलोगे सर ये पता नहीं कैल्शियम क्लोराइड है, हमने तो कभी नहीं देखा ना, हम जानते हैं, ये आप झूठ बोल रहे हो, मैं बोलूंगा ये आप झूठ बोल रहे हो। आपने कैल्शियम क्लोराइड देखा है और उसका मतलब आज तक आपको नहीं पता था, तो आप बोलोगे सर हमने कब देखा, आप ही बता दो, तो मैं बोलूंगा कि आपने बच्चे नया टिफिन खरीदा होगा या नई बोतल खरीदी होगी कभी, ठीक है, नया टिफिन या नई बोतल खरीदी होगी, तो जब नया टिफिन या नई बोतल जब आपने खरीदी होगी, तो आप जब उसको खोलते हो ढक्कन को, तो उसमें एक सफेद से कलर का एक पैकेट सा निकलता है, एक छोटा सा पैकेट निकलता है, वो क्या होता है, उसके पैकेट के अंदर कैल्शियम क्लोराइड ही पड़ा होता है, क्या पड़ा होता है, कैल्शियम क्लोराइड, क्यों पड़ा होता है वो, क्योंकि देखो लोहे का बर्तन है या लोहे की कोई चीज है जो बंद है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ जाए, थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ जाए मतलब हवा की नमी वगैरह आ जाए, तो नमी आ जाएगी तो लोहा क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगी, तो उस जंग को बचाने के लिए क्या डाल दिया जाता है, उसमें एक छोटा सा पैकेट बना के, एक छोटा सा पैकेट बना के जिसमें कैल्शियम क्लोराइड भरा होता है, और उस पैकेट को बंद करके उसके अंदर डाल देते हैं। इसका क्या काम होता है कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड का काम ये होता है कि इसकी खासियत ये होती है कि यदि जरा भी पानी होगा हवा में, जरा भी पानी होगा हवा में या उस बर्तन के अंदर, तो उस पानी को क्या करेगा, ये कैल्शियम क्लोराइड सोख लेगा, क्या कर देगा, कैल्शियम क्लोराइड सोख लेगा, और वहां पे जरा भी हवा में नमी नहीं रहने देगा, क्या नहीं रहने देगा, हवा में नमी नहीं रहने देगा। कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल हम ग्रेनरी हाउसेस में भी करते हैं, ग्रेनरी हाउसेस क्या, जहाँ पे गेहूं रखा जाता है, गेहूं चावल रखे जाते हैं, यदि वहां पे जरा भी नमी हुई ना, तो गेहूं में क्या हो जाएगा, घुल लग जाएगा, सड़ जाएगा गेहूं, ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं वहां पे कैल्शियम क्लोराइड के पैकेट रख देते हैं, ठीक है, जिससे जरा भी हवा में नमी हो तो उसको सोख ले। तो हमें कुछ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ये सब क्या होता है ये समझने का यहाँ पे मतलब नहीं है, लेकिन मैं बस ये बता रहा हूँ कि इसका काम क्या होता है। इसकी खासियत ये होती है कि यदि हवा में पानी होगा, हवा में पानी होगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा गीला हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हवा की नमी को सोख लेगा, लेकिन वहां पे हवा में नमी नहीं रहेगी, ठीक है, तो मतलब समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, तो इन टेस्ट ट्यूब ए पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड कॉर्क इट, ठीक है, कॉर्क इट, क्या करना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये मैंने यहाँ पे ये बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, क्या डाल दिया, कैल्शियम क्लोराइड, और इसे ऊपर से ढक्कन लगा दिया, इसको बिल्कुल बंद कर दिया, जिससे ना तो हवा अंदर जा सके और ना ही हवा बाहर जा सके, ना अंदर जा सके ना बाहर जा सके, ठीक है। तो इसको डालने का फायदा क्या है, अब हवा ना तो अंदर जा सकती है ना बाहर जा सकती है, और इसमें जरा भी पानी होगा तो वो पानी को कौन सोख लेगा, ये रोक लेगा, कौन सोख लेगा, कैल्शियम क्लोराइड सोख लेगा। फिर इसके बाद एनहाइड्रस कैल्शियम ऑक्साइड एब्जॉर्ब ऑल वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, दिस मीन नो मॉइस्चर इज लेफ्ट इन टेस्ट ट्यूब ए। तो इसका काम क्या है, इसका यही बताया गया है, इसका काम ये होता है कि हवा में जितनी भी नमी होती है उसको क्या कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ की हवा में कोई भी पानी नहीं रह जाएगा, कोई भी नमी नहीं रह जाएगी, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब बी की बात करते हैं, इन टेस्ट ट्यूब बी एड बॉइल्ड वाटर, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर पानी हला के, पानी को गर्म करके इसके अंदर डाल देना, पानी को गर्म करके वाटर, हॉट वाटर इसके अंदर डाल देना, इसके अंदर क्या डाल देना है, हॉट वाटर। इन टेस्ट ट्यूब बी एड बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर इज फ्री फ्रॉम एयर, एड सम ऑयल इन द टेस्ट ट्यूब एंड कॉक इट, ठीक है। अब इसके अंदर पानी भर के क्या करना है, गर्म पानी भर के डाल देना, और गर्म पानी भरने के बाद ऐसे करके पानी भर के यहाँ पे पानी में डूबी हुई की, पानी में डूबी हुई की, अब पानी में डूबने के बाद हॉट वाटर की खासियत क्या होती है, हॉट वाटर के अंदर क्या होता है, जरा भी एयर नहीं होती, गर्म पानी में एयर नहीं होती, गर्म पानी में एयर नहीं होती, ठीक है, एयर नहीं होगी इसका मतलब क्या है, गर्म पानी में एयर नहीं होगी, एयर नहीं होगी तो इसके अंदर ऑक्सीजन भी नहीं होगा, बोलो हवा में ही तो ऑक्सीजन होता है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा। फिर पानी को डालने के बाद ये मैं ऐसे करके बना रहा हूँ क्रॉस क्रॉस करके, ये मैंने क्या डाल दिया, पानी के ऊपर ऑयल डाल दिया, क्या डाल दिया, ऑयल, ऑयल कोई सा भी ले लो, सरसों का तेल ले लो, या फिर आपके जो बालों में डालने वाला जो भी तेल है आप कोई भी तेल ले सकते हो। इस ऑयल को क्यों ले रहे हैं, आप ऑयल को समझो, यदि ये हमारे पास पानी है, यहाँ पे पानी है, इसके ऊपर ऑयल डालेंगे तो ये ऑयल जो है पानी में मिलेगा नहीं, इसके ऊपर एक लेयर बना लेगा और क्या होगा, बिल्कुल एयर के कॉन्टेक्ट को कट कर देगा, एयर के कॉन्टेक्ट को कट कर देगा, इसलिए
लिए ऑयल डाला जाए, ठीक है। और इसके बाद क्या कर देना है, इसके ऊपर स्कॉच लगा देना है, क्या लगा देना है, फिर वापस से इसको सील कर देना है ताकि एयर जा ना सके और बाहर ना जा सके, ना अंदर जा सके ना बाहर जा सके। इन टेस्ट ट्यूब बी एड बॉइल वाटर, बॉइल वाटर इज फ्री फ्रॉम एयर, एड सम ऑयल इन द टेस्ट ट्यूब एंड कॉर्क इट। यू विल फाइंड दैट द लेयर ऑफ ऑयल इज फॉर्मड ओवर बॉइल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी, दिस लेयर डज नॉट अलाउ एयर टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द आयरन बी, ठीक है। तो इस ऑयल का क्या काम है, इस ऑयल और ये कॉर्क है, ये लकड़ी की एक गिट्टक लगा दी है, लकड़ी की जिसे कॉर्क बोल रहे हैं, गिट्टक लगा दी है, ये क्या कर रही है, एयर को ना तो जाने दे रही है ना बाहर ना अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑयल की लेयर बिछा दी है, तो बिल्कुल एयर का कॉन्टेक्ट कट हो गया है पानी से, पानी से और लोहे से, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम तीसरा कंडीशन दे रहे हैं सी, टेस्ट ट्यूब सी। इन टेस्ट ट्यूब सी एड ऑर्डिनरी टैप वाटर एंड कॉर्क इट, लीव इट सेटअप अनडिस्टर्ब फॉर 2 to 3 days, ऑब्जर्व आफ्टर 2 to 3 days इन विच टेस्ट ट्यूब द आयरन एल आयरन नेल रस्टेड। अब आपको तीसरे में क्या करना है, सिंपल पानी डाल देना है, जो नल का पानी है वो पानी डाल देना है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या कर देना है, वापस से कॉर्क लगा देना है, ठीक है, वापस से इसे स्टॉप कर देना है। अब आप देखेंगे होगा क्या, टेस्ट ट्यूब ए है, इसके अंदर जंग नहीं लगेगी, यानी कि जब तक पानी नहीं प्रेजेंट होगा, जब तक एयर नहीं, वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे केवल क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, एयर प्रेजेंट है, यहाँ पे एयर तो है, एयर तो है लेकिन ऑक्सीजन वाटर नहीं है, तो जंग नहीं लगी। एयर है वाटर नहीं है तो जंग नहीं लगी। बी में आपने देखा वाटर है एयर नहीं है, वाटर है एयर नहीं है तो भी जंग नहीं लगी, ठीक है, तो भी जंग नहीं लगी। यहां पे एयर भी है, ये रही एयर, ठीक है, वाटर भी है, ठीक है, एयर भी है वाटर भी है, यहां पे जंग लग गई। तो क्या कंडीशन चाहिए किसी चीज को जंग लगाने के लिए, क्या कंडीशन, किसी लोहे की चीज को जंग लगाने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, एयर भी चाहिए वाटर भी चाहिए तभी जंग लगेगी, समझ में आ गया। तो कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यू विल फाइंड दैट ओनली द आयरन नेल प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब सी हैज रस्टेड, केवल सी टेस्ट ट्यूब की लोहे की कील क्या है, उसमें जंग लगी है, इन दोनों में जंग नहीं लगी। टेस्ट ट्यूब ए हैज नो मॉइस्चर फॉर द आयरन नेल, ड्राई एयर एलोन हैज नो इफेक्ट ऑन आयरन नेल। तो यहाँ पे कोई पानी नहीं था लेकिन हवा में ऑक्सीजन थी तो कोई जंग नहीं लगी। फिर अब बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बी की, टेस्ट ट्यूब बी हैज नो एयर फॉर आयरन नेल, टेस्ट ट्यूब बी में कोई भी एयर नहीं है आयरन नेल में लेकिन पानी है तो भी जंग नहीं लगी। टेस्ट ट्यूब सी वाटर, टेस्ट ट्यूब बी हैज नो एयर फ्रॉम आयरन नेल, वाटर मॉइस्चर एलोन हैज नो इफेक्ट ऑन आयरन नेल, ठीक है। तो इसमें कोई एयर नहीं थी लेकिन वाटर था, तो वाटर की वजह से भी आयरन नेल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई जंग नहीं लगी। फिर टेस्ट ट्यूब सी, इन टेस्ट ट्यूब सी हैज बोथ एयर एंड मॉइस्चर फॉर द आयरन नेल गेट रस्टेड, तो सी है एयर भी था वाटर भी था, इस वजह से क्या हो गया, रस्ट हो गई, जंग लग गई, ठीक है। Thus we conclude that the both air and moisture are essential for rusting take place. तो हमने यहाँ पे ये जाना कि दोनों ही चीज जरूरी है, क्या क्या, जंग लगने के लिए दोनों ही चीज जरूरी है, वो क्या क्या चाहिए, एक तो हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए और दूसरा हवा चाहिए, ये दोनों ही चीज होंगी तभी जंग लग सकती है। Methods to preventing rusting. अब कौन कौन से मेथड्स होने के चाहिए, कौन कौन से तरीके होने चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, जंग को लगने से बचा सकते हैं। प्रिवेंटिंग मीन्स रोकना, रस्टिंग मीन्स जंग, मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग, ठीक है, मेथड टू प्रिवेंटिंग रस्टिंग। तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, जंग को लगने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नीडेड फॉर रस्टिंग, ठीक है। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नीडेड फॉर रस्टिंग। तो पिछली बारी एक्टिविटी से हमने ये बात प्राप्त करी, ये बात पता लगाई कि हमें दोनों ही चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए और हवा भी चाहिए, क्या, रस्टिंग होने के लिए, जंग लगाने के लिए। इफ वी प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद आइदर एयर और वाटर और बोथ, दे विल नॉट गेट रस्टेड। यदि हम क्या करें, लोहे की चीज को या तो हवा के कॉन्टेक्ट में आने से रोक लें, या पानी के आने कॉन्टेक्ट में आने से रोक लें, या इन दोनों के ही कॉन्टेक्ट में आने से रोक दें, तो क्या होगा, तो जंग नहीं लगेगी, ठीक है।
है, या तो हवा को लोहे से टच होने से रोक दो, ठीक है, या पानी को लोहे से टच होने से रोक दो, या इन दोनों को ही रोक दो, तो आपके लोहे की चीज में जंग नहीं लगेगी, रस्ट नहीं लगेगी। मेथड यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग आर्ट, तो लोहे की चीजों में जंग लगने से रोकने के लिए हमें क्या मेथड इस्तेमाल करने चाहिए, क्या तरीके अपनाने चाहिए, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। कोटिंग एन आयरन आर्टिकल विद पेंट, तो सबसे अच्छा तरीका है कि लोहे की चीज पे आप क्या कर दीजिए, पेंट कर दीजिए, पेंट कर दीजिए। तो ये लोहे की चीज है, लोहे की मान के चलो ये चीज है, इसके ऊपर आपने क्या किया, पेंट कर दिया, ठीक है, ये पेंट कर दिया, ठीक है, तो आपने लोहे की चीज पे पेंट कर दिया। अब एयर जो है, एयर में ऑक्सीजन है, वो इसके कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएगा, इस पेंट के कॉन्टेक्ट में आएगा, लेकिन इस लोहे की चीज के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। इसी तरीके से जो वाटर है, वाटर भी इस पेंट के कॉन्टेक्ट में आएगा, लेकिन इस आयरन की नेल तक, आयरन की चीज तक नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए इसमें जंग नहीं लगेगी, इसमें रस्ट नहीं लगेगी। तो हम एक तरीका तो यह है कि क्या कर दें, हम लोहे की चीजों पर पेंट कर दें, क्या कर दें, पेंट कर दें। आप जानते भी हो हर लोहे की चीज पे, हमारे घर में जो भी लोहे की चीज होती है, जंगले वगैरह, उन सब पे हम क्या कर देते हैं, गेट जंगले सब पे पेंट कर देते हैं, ठीक है। अप्लाइंग अ कोट ऑफ पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल, आर्टिकल का मीन होता है लोहे की चीजें, लोहे की चीजें, आर्टिकल मतलब कोई भी चीज, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है, आयरन मतलब लोहे की चीजें, लोहे की चीजों पर आप पेंट कर दीजिए, तो क्या होता है, उसके ऊपर एक कोट चढ़ जाता है, एक कोट चढ़ जाता है, कोट मतलब एक लेयर चढ़ जाती है, किसकी, पेंट की। अप्लाइंग अ कोट ऑफ पेंट ऑन आयरन आर्टिकल प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, दीज कोट आर अप्लाइड रेगुलरली ऑन आयरन आर्टिकल, ठीक है। तो आप एक पेंट कर दीजिए, जिससे क्या होगा, एक पेंट की परत जम जाएगी, यहाँ पे ये पेंट की लेयर आ जाएगी, पेंट लेयर, पेंट कोट बोल दो या लेयर बोल दो, ये क्या करेगी, पानी को और हवा को लोहे के चीजों से, यानी कि आयरन आर्टिकल से नहीं मिलने देगी, इसलिए इस पर रस्ट नहीं लगेगी, रस्ट नहीं लगेगी। तो एक तरीका तो ये हो गया, दीज कोट आर अप्लाइड रेगुलरली ऑन आयरन आर्टिकल, ये क्या होगा, ये पेंट की परत जो है वो छूट जाती रहेगी, हट जाएगी, ठीक है। तो आप इस पर रेगुलरली पेंट करते रहिए, हर 6 महीने बाद 8 महीने बाद इस पर पेंट कर दीजिए। तभी हमारे घर में क्या होती है, हर साल में एक बार क्या होती है, दिवाली पे पुताई वगैरह करा देते हैं, पेंट करा देते हैं, जिससे क्या हो, हमारी जंगले वगैरह जो है वो ठीक रहे, वो जंग ना खा, ठीक है, ऐसा हम करते रहते हैं, ठीक है। आप वैसे भी जानते होंगे, आपके घर में कूलर लगा होगा, कूलर जंगले के सामने ही लगाया जाता है, और जंगला लोहे का बना होता है, तो कूलर के सामने वाला जो जंगला होता है वो जल्दी जंग खा जाता है, होता है, नहीं होता है, इसीलिए यदि कूलर के सामने कोई जंगला है तो उस पर लगातार पेंट करते रहिए, अदरवाइज वो जंग खा के खराब हो जाता है। कोटिंग एन आयरन आर्टिकल विद ग्रीस, ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप उसके ऊपर लोहे की चीजों के ऊपर चिकनाई लगा दीजिए, ठीक है, यदि ऑयल वगैरह या ग्रीस वगैरह लगा दोगे तो क्या होगा, तो वो ऑयली सरफेस जो है ना वो वाटर से कॉन्टेक्ट को तोड़ देगी, ठीक है, इस वजह से क्या होगा, चीजों में जंग नहीं लगेगी। तो आपने जान, आप जानते भी होगे, आपकी मम्मी ने किया भी होगा, जब भी बरसात शुरू होती है, ठीक है, अब बरसात शुरू हो रही है ना, तो आप जब भी बरसात शुरू होती है तो मम्मी यदि आपकी थोड़ी बहुत घर में टेलरिंग वगैरह करती है, कैंची वगैरह चलाती है, तो उस कैंची वगैरह पे क्या करती है मम्मी, कैंची पे क्या कर देती है, जब भी बरसात शुरू होती है तो कैंची पे क्या कर देती है, सरसों का तेल ले लेती हैं, सरसों का तेल या फिर ऐसा कुछ, वो क्या कर देती है यहाँ पे इसके ऊपर लगा देती है, जिससे कि कैंची खराब ना हो, ठीक है। आपने ये देखा होगा अक्सर, कर नहीं देखा है तो अब बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कैंची जो होती है लोहे की कैंची होती है, वो कैंची क्या हो जाती है, बरसात के समय पर जंग खा जाती है, ठीक है। या फिर जो टेलर वगैरह होते हैं वो सब, वो क्या करते हैं, जब बरसात शुरू होती है तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि लोहे के ऊपर क्या होती है, एक लेयर चढ़ जाती है ऑयल की, और उसका पानी के साथ कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता, किसके साथ, वाटर के साथ, इस वजह से लोहे की कैंची में क्या नहीं होती है, जंग नहीं लगता, ठीक है, रस नहीं लगता। तो एक तरीका ये भी है, और केवल कैंची की बात नहीं है, कैंची की बात ही नहीं है, आप तो ये भी जानते हो अच्छे से कि बरसात की चीजों में, बरसात में क्या होती है, चीजों में जंग लग जाती है, तो साइकिल वगैरह चलाने में दिक्कत आती है, मोटरसाइकिल चलाने में, तो क्या करते हैं, बरसात को वहां पे ग्रीसिंग वगैरह करा देते हैं, ठीक है, चिकनाई लगा देते हैं, जिससे क्या हो, जंग ना लगे, ठीक है। तो एक तरीका ये है, तो बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, वहां पे यदि जंग लगेगी तो क्या होगा, मशीन ठीक से चलेगी नहीं, तो क्या किया जाता है, उन मशीनों पे क्या कर दिया जाता है, जब वो मशीन चल नहीं रही होती है तो उसके ऊपर लोहे की चीजों पे क्या कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, ऑयलिंग करते रहते हैं, ठीक है। वैसे भी नॉर्मली हम क्या करते हैं, चीजों पे, मशीन वगैरह पे ऑयलिंग करते रहते हैं, जिससे जंग ना लग जाए और वो चलना बंद ना हो जाए, ठीक है। तो अप्लाइंग अ कोट ऑफ ग्रीस ऑन एन आयरन आर्टिकल कट ऑफ इट्स कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, दिस प्रिवेंट द आयरन आर्टिकल फ्रॉम गेटिंग रस्ट,
ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, कोई भी चिकनाई जो है वो लोहे की चीजों पे या मशीनों पे लगा दीजिए, जिससे उसका मॉइस्चर से एयर से कॉन्टेक्ट कट जाएगा तो लोहे की चीज में जंग नहीं लगेगी। फिर तीसरा तरीका है गैल्वनाइजेशन। क्या है? गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन क्या होता है देखें, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ द मेटल कॉल्ड द जिंक ऑन द आयरन। द कोटिंग ऑफ जिंक डज नॉट अलाउ द आयरन आर्टिकल टू कम इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर एंड दस प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग रस्टेड। ठीक है, तो ये गैल्वनाइजेशन क्या होता है? गैल्वनाइजेशन आपको मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था जिसमें मेरा हाथ जल गया था। मैंने क्या किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, उसमें एक पाउडर सा डाला था। वो पाउडर जो राख जैसा पाउडर था वो क्या था? जिंक था। वो क्या था? जिंक था। वो क्या था? जिंक। तो गैल्वनाइजेशन क्या होता है? गैल्वनाइजेशन क्या होता है? तो गैल्वनाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें लोहे की चीज है, ये लोहे की चीज है, कोई आयरन की चीज है, इसके ऊपर जिंक क्या होती है, जिंक, जिंक मेटल है ना, उसको पिघला के, जिंक मेटल को गर्म करके पिघला के इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, एक लेयर चढ़ा देते हैं इस प्रोसेस को, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। आयरन के ऊपर जिंक को पिघला के एक परत चढ़ा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गैल्वनाइजेशन। जिंक में जो है वो जंग नहीं लगती, जिंक में जंग नहीं लगती, लोहे में जंग लगती है। इसीलिए जिंक और लोहे को जिंक को पिघला के लोहे के ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, वो उससे चिपक जाती है, जिससे क्या होता है, इस प्रोसेस को गैल्वनाइजेशन बोलते हैं और लोहे की चीज में जंग लगना बंद हो जाती है। ठीक है, आप ये तो जानते होंगे, कभी कभार आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह लेते हो तो क्या कहते हैं, सोने का पानी चढ़ाओ। क्या बोलते हैं? सोने का पानी चढ़ाओ। तो इसका क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि आपने कोई मटेरियल से वो चीज ज्वेलरी बनाई, ज्वेलरी बनाने के बाद उसके ऊपर क्या है, गोल्ड की एक लेयर चढ़ा दी, गोल्ड को पिघला के उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी, तो ये पूरा का पूरा गोल्ड जैसा लगेगा, लेकिन अंदर क्या है, इसके अंदर कोई मान लो आयरन है और इसके ऊपर क्या है, गोल्ड, इसके ऊपर क्या है, गोल्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में ये है, इसके अंदर आयरन है लेकिन इसके ऊपर क्या की परत चढ़ा दी है, जिंक की, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, गैल्वनाइजेशन कहलाती है। और जिंक के ऊपर क्या नहीं लगती है, जिंक के ऊपर जंग नहीं लगती। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ मेटल कॉल्ड जिंक ऑन द आयरन। आयरन के ऊपर एक मेटल जिंक की लेयर चढ़ाना ही गैल्वनाइजेशन है। द कोटिंग ऑफ जिंक डज नॉट अलाउ द आयरन आर्टिकल टू कम इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर एंड दस प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग रस्टेड। तो क्या होगा, ये जिंक की लेयर जो है वो एयर और वाटर से कॉन्टेक्ट नहीं होने देगी, एयर एंड वाटर से, एयर एंड वाटर को आयरन से कॉन्टेक्ट नहीं होने देगी, इस वजह से इसका रस्ट जंग नहीं लगेगी। ओके, आगे हम बात करते हैं एलॉइंग। अब ये एलॉइंग क्या है, गैल्वनाइजेशन समझ में आ गया होगा, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एलॉइंग। अभी भाई एलॉइंग क्या है, ठीक है, अब हम जानते हैं एलॉइंग। एलॉइंग ठीक है, ये मेरे पास क्या है, आयरन है, लोहे की चीज, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम, ठीक है, लोहा और एल्यूमिनियम दो मेटल है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, और भी कई सारी मेटल होती है, सोना चांदी, ठीक है, मरकरी, सोना चांदी मरकरी गोल्ड प्लेटिनम टिन मरकरी और कॉपर, ठीक है, कॉपर और क्या है, ऑस्मियम प्लेटिनियम, ठीक है, मॉलिब्डेनियम टाइटेनियम मैग्नीशियम, बहुत सारी मेटल्स होती है। तो हमने कोई भी दो मेटेरियल, तीन मेटल ले ली, दो तीन मेटल ले ली, दो ले लिए हमने, यहाँ पे दो ले ली समझाने के लिए, इन दोनों मेटल को, इसको मैंने गर्म किया, गर्म करेंगे इस लोहे को तो ये पिघल जाएगा। अब ऐसा नहीं है तुम गैस के ऊपर रख दोगे लोहे को, गर्म हो जाएगा पिघल जाएगा, नहीं, इसके लिए बहुत गर्मी चाहिए, बहुत ज्यादा हीट चाहिए, और वो हीट कहाँ पे पैदा होती है, उतनी हीट पैदा करते हैं हम इंडस्ट्री में, वहाँ पे फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं जहाँ पे लोहे को पिघला के मशीनें बनाई जाती हैं, वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं हम अपने घर में, अपने घर की गैस में लोहे को पिघला नहीं सकते। इसी तरीके से एल्यूमिनियम को भी नहीं पिघलाया जा सकता घर में, लेकिन फैक्ट्रियों में क्या किया जाता है, इस लोहे को पिघलाया, एल्यूमिनियम को पिघलाया, और इसको इन दोनों को मिक्स करके एक बर्तन में डाल दिया और इसको क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। अब बताओ इसके अंदर लोहा भी है एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को पिघला दिया तो वो लिक्विड बन गया, एल्यूमिनियम को पिघला दिया वो लिक्विड बन गया, लोहे को पिघला दिया वो लिक्विड बन गया, इन दोनों को एक बर्तन में डाल दिया और इसको ठंडा कर दिया। अब ये क्या है, ना तो लोहा है ना एल्यूमिनियम है, बल्कि दोनों ही है, एल्यूमिनियम भी है और आयरन भी है, ठीक है,
तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एलॉय, क्या कहलाएगा एलॉय, क्या कहलाएगा एलॉय। अब इन दोनों के ही गुण क्या होंगे, इस एलॉय में होंगे। एल्यूमिनियम की क्या खासियत है, उसमें जंग नहीं लगती। लोहे की क्या खासियत है, वो मजबूत होता है। एल्यूमिनियम चमकता है, आयरन नहीं चमकता, ठीक है। एल्यूमिनियम जो होता है वो हल्का होता है, आयरन भारी होता है। एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगती, लोहे में जंग लग जाती है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये जो एल्यूमिनियम और आयरन का एलॉय है, क्या बोलेंगे एलॉय, इनमें दोनों गुण होंगे, ये मजबूत भी होगा, हल्का भी होगा और इसमें जंग नहीं लगेगी, ठीक है। इन दोनों के ही गुण इसमें आ जाएंगे। तो ये क्या है, एलॉय। अब आप एलॉय अच्छे तरीके से जानते हो, आपकी गाड़ियों में क्या लगाते हैं, गाड़ियों में लगा होता है एलॉय व्हील, लगे होते हैं एलॉय व्हील, ना तो वो लोहे का होता है ना वो एल्युमिनियम का होता है, वो इनके मिक्सचर का होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको एलॉय व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलॉय व्हील। एलॉय व्हील किसी भी दो या तीन मेटल्स के मिक्सचर से बनाया जा सकता है, लेकिन मिक्सचर को हमें गर्म करके मिलाना होगा, फिर ठंडा करना होगा, तब जाके क्या बनता है, एलॉय बनता है। समझ में आ गया। तो अब ये जो चीज बनी है इसके अंदर क्या नहीं लगेगी, जंग नहीं लगेगी। तो चलिए पढ़ लेते हैं। Have you ever noticed that the some article like the scissors, blades and the utensils do not get rusted at all? What are these made of? These articles are made of stainless steel. Stainless steel is a special substance which is made by mixing some carbon and metals like the chromium, magnesium and magnesium, manganese and magnesium with iron. This process of mixing metal or non-metal is called the alloying. The new substance formed by mixing is called the an alloy. Alloying prevents rusting. समझ में आ गया? तो आपने देखा होगा कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि आपके घर के बर्तन है, पानी पीने वाला बर्तन है, ठीक है, दूध औटाने वाला बर्तन है, ठीक है, सब्जी बनाने वाला बर्तन है, ठीक है, ये सारे जो बर्तन हैं, ये बर्तन है, इसमें आप रोज इनको धोते हो, साफ करते हो, मांजते हो, लेकिन ये कभी भी जंग नहीं खाते। टेलर वाली जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, टेलर वाली कैंची, उसमें जंग लग जाती है, लेकिन जो डॉक्टर कैंची का इस्तेमाल करता है उसमें जंग नहीं लगनी चाहिए। उसमें जंग लग गई तो क्या होगा, हमारे इन्फेक्शन हो जाएगा, हम मर सकते हैं, ठीक है, हमें टिटनेस टिटनेस हो सकती है, टिटनेस से क्या हो सकता है, मर जाएंगे। तो डॉक्टर के पास जो जो कैंचियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, एलॉय वाली होती है, कैसी होती हैं, एलॉय वाली, उसमें जंग नहीं लगती, ठीक है, उसमें जंग नहीं लगती। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है, हैव यू एवर नोटिस दैट सम आर्टिकल लाइक सीजर, आपने कभी नोटिस किया है कुछ कैंचियाँ, जैसे कि डॉक्टर वाली कैंची, ब्लेड, ब्लेड जो शेविंग करते हैं उसको तो पानी में डुबो के की जाती है, तो शेविंग करते हुए यदि उसमें जंग लगी होगी तो क्या हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगा, तो मर सकते हैं। तो ब्लेड एंड अटेंशियल, अटेंशियल मतलब बर्तन वगैरह जो घर के बर्तन होते हैं वो डू नॉट गेट रस्टेड एट ऑल, वो कभी जंग में नहीं करते। व्हाट आर दीज मेड अप ऑफ, मेड ऑफ, तो ये किसके बने होते हैं, दीज आर्टिकल आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये किसके बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील इज अ सब्सटेंस, स्टेनलेस स्टील इज अ स्पेशल सब्सटेंस विच इज मेड बाय मिक्सिंग सम कार्बन एंड मेटल लाइक द क्रोमियम, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम विद आयरन, ठीक है। तो ये स्टेनलेस स्टील एक स्पेशल एलॉय होता है। एलॉय के अलग अलग नाम होते हैं, आपने आज तक सुना होगा लोहा, सोना, चांदी, आपने ये भी सुना होगा पीतल, पीतल कोई मेटल नहीं है, पीतल क्या है, एक एलॉय है, पीतल क्या है, एक एलॉय है। इसी तरीके से आपने सुना होगा गोल्ड मेडल मिला है, सिल्वर मेडल मिला है, और एक सुना होगा ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कोई मेटल नहीं होती, गोल्ड मेटल है, सिल्वर मेटल है, ब्रॉन्ज कोई मेटल नहीं है, ब्रॉन्ज क्या है, एलॉय है, ब्रॉन्ज क्या है, एलॉय है, ठीक है, ब्रॉन्ज एलॉय होता है। तो ब्रॉन्ज मेडल आज आपको समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टेनलेस स्टील एक स्टेनलेस स्टील जो है वो एक एलॉय है, क्या है, एक एलॉय, ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है, इसमें मेनली आयरन होता है, ठीक है, इसमें मेनली आयरन होता है, 70-80% आयरन होता है, 80% आयरन होता है, 20% भी नहीं, स्टेनलेस स्टील में 95% आयरन होता है, 5% अदर अदर मेटल्स होते हैं, जिसमें कार्बन भी आ जाता है, कार्बन के अलावा क्या आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, मैंगनीज आ जाता है, ठीक है, क्रोमियम आ जाता है। तो इस तरीके की मेटल्स होती हैं, वो भी इसके अंदर मिक्स होकर बनाई जाती है, पिघला के, लोहे को पिघला के और ये सारी मेटल्स को पिघला के इसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है, तो फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है, तो जो मेटल मिलता है वो स्टेनलेस स्टील होता है और उसमें कभी जंग नहीं लगती, ठीक है। This process of mixing of non-metal and metal is called the alloying. तो alloying क्या होता है, समझ में आ गया, metal and non-metal को गर्म करके पिघला के उसको फिर वापस से ठंडा किया जाता है, तो जो result में मिलता है उसको क्या बोलते हैं, alloy बोलते हैं। The new substance formed by mixing is called an alloy. Alloying prevents rusting. तो जो नई चीज बनती है उसे alloying बोलते हैं, ठीक है, और alloying में कभी जंग नहीं लगती, ठीक है बच्चों।
आज के लिए इस क्लास को यही एंड करते हैं, ठीक है। हमारा टाइम हो गया और अब थोड़ा सा चैप्टर रह गया, फिर इसके बाद एक्सरसाइज हम कल करा देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ रखते हैं, बाय बाय।